अरे आराम से, तू कहाँ फैल हमरा बताओ ले, और तू अचानक जाग काहे कहती गई, अरे माथे पर पसीना कैसे, अरे तू कोनो बुरा सपना देख लो हा? बहुत ही बुरा सपना लालो। कैसन सपना? बहुत ही डरावना रहा, कैसन सपना के अपशगुन मानल जाला। अरे तू सपने तरह लगे, कुछ ना हुई, तू परेशान मत हो कले, और कोनो सपना सच थोड़े ना होला, बिल्कुल परेशान मत हो, आराम से सुता ना मिथिलेश, ये हमार चूक के ही परिणाम बा, हम भगवान से मन्नत मांग ले रानी, शायद वो मन्नत के पूरा खेल भुला गई रानी, ऐसे हमरा कैसे सपना आया? कैसन मन्नत? हमके कुछ समझ में नहीं आवत रे, तू कहाँ कहल चाहत रू? जब हमने के रिश्ता ठीक ना चलत रहे, तब हम भगवान भोलेनाथ से मन्नत मांगले रहनी। हमने के रिश्ता ठीक हो जाए, तब हमने के मिलन के पहले, मतलब हमने के सुहागरात के पहले, सब परिवार भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके पूजा पाठ करब और उनका के धन्यवाद दे। बाकी हम भुला गई रहनी, शायद उहे मन्नत के याद दिलावे का थी भगवान हमरा के ऐसा सपना दिखाई नहीं हा, शायद भगवान के संकेत बा, हमरा के माफ कर दे भोलेनाथ, हम कालवे राउर मंदिर आए पूजा पाठ करे और धन्यवाद करे। मिथिलेश कल रुआ के हमरा साथे चले के पड़ी मंदिर, रब चल अपना हमरा साथे। अरे तू यो कोनो बात बोले वाला हवे, हम तारा साथे जरूर चलब, तो बिल्कुल परेशान मत हो कर, हम तारा साथे चलम और हमेशा तारा साथे बने, और हम चल के मंदिर में भगवान भोलेनाथ से हरदम यह प्रार्थना करम कि तुहार और हमार जोड़ी भगवान हरदम सलामत रख लेगा, सब ठीक हो जाए। दरवाजा खोली नागेश भैया, अब आई मीन जीजा जी, ओ छुटका जीजा जी, सवेरा हो गई बा। अरे वाह, का बात बा, हैं? चेहरा के चमक देख के तो ऐसा लगता जैसे रात बहुत अच्छा से कटल हो, हैं? सही लगता तरह के, रात भर जागल बानी, अभी ले नींद पूरा नहीं के भइल, और तू हमार नींद खराब करे खातिर आ गईला, अब जात नींद पूरा हो जाएगा फिर तेरा के हमार चेहरा और भी चमकत नजर आई। अरे तनी बात तो सुनी, ऐजा हम अपना वजह से ना बल्कि रितु भाभी की वजह से आइल बानी, उनकरा के रवा दुनू से कुछ बात करे के बा। का बात करे के बा? का बात करे के बा, वो तो उहे बताई है, अभी वो सब लोग के हॉल में इकट्ठा होवे खातिर कहले बानी, तो अब चली रवा दुनू भी जल्दी से चली। हाँ गोपाल तू जा, हमने क्या आवा था नहीं जा। हाँ जल्दी से आई है, ठीक बा। का बात हो सकेला? अब इतना गईला के बादे पता चले।
हम ऐसा बुरा सपना देखनी ये बतावे खातिर रोवा लो के हम एजा बोले नहीं हाँ। तो गजब बाड़ रहे तू। अरे तू तो सपना देख के ऐसे डरा गए लू जैसे सच में मिथिलेश के सांप काट ले बा। अरे सब सचना सच थोड़ी ना होला। ऐसी बात देखे नागेश सबेरे के सपना के कोनो अर्थ जरूर होला यही से हमरा के बहुत डर लगा था शायद हमरा से कोनो गलती भइल बा यही से सपना आइल बा ताकि हमरा के अपन गलती के एहसास हो सके। तेरा के एहसास भइल का? हाँ हमरा के एहसास भइल। अब खर तू ये सब तेरा मन के भ्रम बाप ऐसा कुछ भी नहीं। नागेश जी ऐसा मत बोली भाभी जी बतावा था नहीं ना वो बहुत गंभीर बात बा उनकर बात कैसे मजाक में तो मत उड़ाई। अगर सपना में नाग देवता के गुस्सा वाला रूप देखल बा तो ये शुभ संकेत नहीं खे। हमनी के परिवार में कौनो संकट आवे से पहले रीतु के मंदिर में जाके अपन मानल मन्नत पूरा कर लेवे के चाहिए। अब पर बड़की माई अशुभ संकेत होखे कि ना लेकिन ब्याह के बाद तब मंदिर जाके भगवान के दर्शन करे के चाही। और तो और अगर हमर मानी तब मिथिलेश भैया रितु भाभी के साथ साथ ना प्रीति और छोटका जीजा जी के भी मंदिर जाके भगवान के आशीर्वाद ले लेवे के चाही। कुछ भी मत बोला करा गोपाल। अरे हम और प्रीति ओजो जाके का करब काहे छोटका जीजा जी रउवा दोनों के भगवान के आशीर्वाद नहीं के चाही का? अरे देखा तानी कि आजकल के लोग शादी के बाद इतना पैसा खर्चा करके सुखी जीवन खातिर हनीमून पर जाला फिर भी उनका जीवन में सुख शांति ना रहेला। लेकिन एक बात अगर रउवा दुनू शादी के बाद भगवान के दर्शन करे जाई तो रउवा के जीवन में सुख शांति की एकदम गारंटी बा। हाँ गोपाल सही कहत रन दो चार लोग क्या हमने के पूरा परिवार जाके मंदिर में दर्शन करे के चाहिए। रितु सपने में तो तुमने मितवा को मरते हुए देखा था ना लेकिन असलियत में मरोगी तुम।
भगवान के दर्शन करने से मितवा पर आई हुई बला तो टल जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरी बला से कौन बचाएगा? मंदिर जाने के लिए तुम घर से तो निकलोगी, लेकिन वापस नहीं लौटोगी। वापस लौटेगी तो बस तुम्हारी लाश। हाँ, तब का मंदिर में पूरा परिवार के जाके आशीर्वाद लेवे के चाही। बाकी बबुआ जी, भोला बाबू और चैताली नहीं खे, अगर वो लोग भी अबहिन रहतन तो कितना अच्छा लगत। अम्मा जी, वहाँ की नेखी तो का भाई, हमने के मंदिर चल के भगवान से आशीर्वाद मांगल जाए कि भोला जी, चाचा जी, चैताली के लेके सही सलामत घरे वापस आ जाए। अरे हम तो फिर से यही कहा कि रहुआ लोग मंदिर जाए, हम और प्रीति यहाँ घरे में रह के घर के काम संभाले। काहे छुटका जीजा जी, रहुआ के इज्जत घर में रह के झाड़ू पोछा करे के विचार बा का? नागेश जी, प्रीति, आप दोनों के मंदिर गेल तो बहुते जरूरी बा, काहे कि वो मंदिर बियाह खाती बहुते प्रसिद्ध बा। तो हम चाहते नहीं कि रहुआ दोनों मंदिर चली और परिवार की मौजूदगी में दोबारा फिर से ब्याह कर ली। और रुआ लोग भगवान के गोर चुके आशीर्वाद भी ले ले। हाँ रितु, तू बहुत सही सोच ले बाड़ू, हमार भी यह मन रहे। हाँ हाँ एकदम, अब पिछली बार तो हमनी सबके मौका ना मिलल, लेकिन यही बहाने से ए बार तो रुआ दोनों के शादी हम सब देख ही ले। हम जाना था नहीं ऋतु की ईद तहार चाल बा, तेरा के शक बा कि हम प्रीति से शादी नहीं के कहीं नहीं, यही से तू हमनी के फ्री से शादी करवा के अपन शक दूर कर चाहता रू, हम तहार ई चाल कबो कामयाब न होवे थे। अरे फिर से शादी करावे के का जरूरत बा, हम तो पहले ब्याह कर चुकल बाने ना। हाँ हाँ नागेश जी बिल्कुल ठीक कहता ने माई। हाँ तू तो सही कहत रही, वैसे नागेश ये तो बहुत खुशी की बात बटे, तू जकरा के प्यार करला ओकरा से तारा के दोबारा शादी करे के मौका मिलत हटे, तो तू ना कहे कहत रहा, चलो सब के चली। तब का उहो मंदिर जिसन पवित्र स्थान पर देखा नागेश, अब सबके फैसला हो चुकल बा, अब तोहर नानू को ना चली, अब तोहरा के चले के पड़ी। हाँ अब हमनी सब लोग के मंदिर जाए खातिर एगो बड़ गाड़ी की जरूरत पड़ी, तब हम एगो काम करता नहीं, एगो बस बुक कर देता नहीं, अब सब लोग इकट्ठा ही मंदिर चलल जाए। हाँ हाँ रुआ गाड़ी बुक कर दी, चली सब लोग तैयार हो जाए। चली 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 तैयार हो चल। अरे अरे राजू, राजू कहाँ है? चाची जी, राजू कहाँ है? माई, अरे माई कहाँ माई? देख मैं दो दे, तेरा दो तेरा दो दे। चाची जी, हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हम मिथिलेश बोलते नहीं, तनि जरूरी से घर आ जी, जल्दी आई। दादा रे दादा, डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब। हाँ भाई डॉक्टर साहब, कुछ पता चल? ऐसे अचानक पेट में दर्द होके के मतलब आ कि पेट में जरूर कुछ बा, वो पता लगावे खातिर एक्सरे रिपोर्ट निकलवावे के पड़ी। अरे दादा हो दादा, हम अस्पताल ना जाए, अगर हम अस्पताल गई नहीं तो हम सबके पता चले कि हमारा पेट में अंगूठी फंसल बा। ना ना कुछ हो जाए, हम एक्सरे फेक्सरे कुछ ना करवा। अरे डॉक्टर साहब, अरे हम एक्सरे फेक्सरे ना करवाए, हम कहत नहीं हो कि घर में शादी ब्याह के मौसम तेल मसाला ढेर खा ले बनी, हमारे पेट में गैस बन गई बा, गैस के दवा दे दी, हम ठीक हो जाए, गैस के दवा दी, हम ना जाए एक्सरे फिक्सरे करवावे। ठीक बा, ये बार दवाई लिख देता नहीं, फिर भी पेट दुखाई बंद न हो, एक्सरे निकलवावे के पड़ी। ठीक बा,
ये दवा मंगा ली, सुबह शाम खिलाई और आराम करी। हम चलत आनी। ऐसे हालत में माई हमने लोग के साथ मंदिर कैसे चली हैं? अरे मंदिर जाए में भी समय बा, तब तक चाची जी दवाई खाएब ना तो आराम हो जाए। अरे दवाई इतना जल्दी थोड़ी ना असर करेला, अरे कम से कम 4 से 6 घंटा लगी आराम मिले में। अरे हम नहीं जाता काबर, तू लोग जाता रह लोग, हमारा वजह से तू अपन मंदिर जाए के कार्यक्रम मत खराब कर लोग, जा जा। नहीं चाची जी, रुवा अकेले घरे का करब, रुवा के भी साथ चले के पड़ी। हाँ हाँ रजो, ये पूजा में पूरा परिवार के उपस्थित रहल बहुत जरूरी बा। चले के मन तो दीदी जी हमरो बहुत बा, लेकिन हम का करी, हमर तबीयत साथ नहीं खेते, देखते बनी रुवा, बाकी का करब रुवा बानी, रुवा जाई घर के बोर्ड बनी रुवा, खूब निमन से पूजा पाठ करवा ले जाई, हमार चिंता छोड़ लोगिन, जा बबुआ चलोगिन। चाची जी, एक तो वैसे परिवार में कम जन भाड़ है, ऊपर से अगर आप बिना आई तो कितने लोग रह जाइए, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं के तो जबरदस्ती भी नहीं की कल जा सकत। अरे हम तो बस ये कहब कि जब तक चाची जी ठीक ना हो जाइए तब तक हम सब लोगों के रुक जाए के चाहिए। अरे पूजा तो कब और भी हो सकेला, वरना और दिन भी मंदिर चल जाए। ना नागेश, पहले ही बहुत देर हो चुकल बा, और हम निकी चाहत की और देर रोके और हमने के परिवार के साथ ही दुर्घटना घट जाए। और रुवा अपना बारे में और प्रीति के बारे में तो सोची, रुवा लोग के फिर से मंदिर में ब्याह हो जाए और एगो नया जीवन शुरू करे से पहले भगवान जी के आशीर्वाद भी मिल जाए। हाँ रितु सही कहा ताड़ी, जब सपना में नाग देवता आके मंदिर जाए के खुद संकेत देले बाड़े तो हमने क्या और देरी ना करे के चाहिए। माई ठीक बेटे, लेकिन नागेश भी सही कहा तरह, इसके बाद से हम बिल्कुल सहमत बनी, चाची के मंदिर ना जेला के दुख तो हमनी के सबके बैठे कि ना जा पाई, लेकिन भाई मंदिर आज जाइल जा जरूरी बना, कैसे कि शुभ अवसर हाथ से निकला जाता भाई, इससे जल्दी जाए के चाहिए हमनी के मंदिर। हाँ और तो और मंदिर जाए की सब तैयारी भी हो चुकल बा। बहुत शौक बात आ रहा के मंदिर जाए के, तय काम करा सीधे ऊपर जाके भगवान से मिल लिया ऋतु, ओकरे बाद तरह के भी शांति मिल जाई और हमरा के भी। चार लोग हमारा चिंता छोड़ा जाने का। ठीक बेटे, तो हम लोग तैयार होकर चले। चाची भाई, जो डॉक्टर दवाई लिख के दिले बड़न ना, एक रह के हम जल्दी से मंगवा के आपके लगे भेजवाओ तने, और सुनी बेरा पर खा ले मैं। ठीक है चलो चले। खूब निमन से पूजा पाठ करी हम लोग ना। हाँ। रजो हम जात तबानी, बाकी तोरा के ऐसन बीमारी हाल में छोड़ के जाए के मन नहीं खे करता। हाय दीदी जी, पूरा रास्ता तुहार चिंता लगल रही। हम बुझत नहीं दीदी जी, रघु हमार चिंता कर, बाकी का बानू कि हमरा ये बात के खुशी बा कि पूजा पाठ करे ले से घर के संकट टल जाई, ऐसे बड़ खुशी का हुई, रउआ घर के बड़ बानी, रउआ जाब तो ठीक रही, लइका फैका के हिम्मत मिले। ठीक बा रजो, अपन ख्याल रखियो। हाँ दीदी जी। अरे दादा रे दादा, माने अगर हम फिल्म मुल्ली में काम करती तो कितना अच्छा एक्टिंग करती है, और पढ़ा लिखा डॉक्टर के हम बेवकूफ बना दें, घर के लोग कोना खेत के मुरई हो।
अंगूठी तो हम कोबे उल्टी को के निकाल देले रन। बाकी पेट दर्द के बहाना हमरा तब तक बनावे के पड़ी जब तक हमार मकसद पूरा नहीं हो जाए। और हमार मकसद का बा कैसे पूरा हुई ये खाली हम जानते हैं और केहू के नहीं के पता।